हेलो एंड वेलकम। ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। आज का जो सेशन है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और साथ ही साथ जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके लिए बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग सेल्स पढ़ने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं, जिसके आंसर्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इन सभी के आंसर्स हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट फ्री लिविंग सेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चंस को। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो सेल टर्म है ये आया कहाँ से। तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। 1665 में रॉबर्ट हुक, जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसका नाम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप रखा गया। और उस माइक्रोस्कोप जरिए से जो ट्री का बार्क होता है उसके कॉर्क के स्लाइस को लिया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा कि आखिर इसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है वो कैसा है, इसके अंदर क्या है, ये जानने की उनके अंदर उत्सुकता पैदा हुई। और जब उन्होंने उसके स्लाइस को, कॉर्क स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, तब उन्होंने ये एब्जॉर्ब किया कि जो उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो हनी कॉम्ब की तरह दिख रहा था, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखा। तब उन्होंने जो छोटे छोटे स्मॉल होल्स देखा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उन छोटे छोटे होल्स को उन्होंने स्मॉल रूम कहा कि ये छोटे छोटे कमरे की तरह है। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे होल्स में मधुमक्खियाँ घुस जाती हैं एक एक होल में, यानी कि वो एक तरह से उन लोग के लिए कमरे की तरह ही है। तब उन्होंने स्मॉल रूम का नाम दिया इसको, और लैटिन वर्ड में इसे सेल कहा गया। तो सेल की जो डिस्कवरी है वो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। ल्यूमन हॉक ने देखा कि जो सिंगल सेल है, एक सेल के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो उन्होंने चौंक गए कि अरे ये क्या है, कि मतलब एक सेल के ऑर्गेनिजम्स भी अवेलेबल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जिसे एल्गी स्पायरोगिरा कहा जाता है। और पुरकिंजी जो थे ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, 1839 में उन्होंने सेल के अंदर स्टडी किया और ये देखा कि एक लिक्विड फ्लूइड है जो सेल के अंदर मौजूद होता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म उन्होंने नाम दिया। अब हम लोग देखते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रोटोप्लाज्म जो है ये इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है सेल का, यानी कि जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो टोटली जो है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। तो सारे जो सेल्स के ऑर्गेनेल होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, न्यूक्लियस भी आ जाता है, और एल्गी को आप यहाँ देख पा रहे होंगे पॉन्ड में। अगला जो क्वेश्चन है, द सेल थ्योरी that the plant and animals are composed of cell and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists Dash and Dash. Next question hai, all cells arise from pre-existing cells was suggested by Dash. Next question is, the term used for fluid substance present in the cell. Sabhi क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम लोग समझते हैं, अब आपके अंदर उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर ये सेल जो है कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखा गया सेल्स को। जैसा कि सेल थ्योरी जो दी गई थी वो हमारे जो स्केलेटन और स्केवन थे वो 1838 में 1839 में सेल थ्योरी को दिया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स इस धरती पे मौजूद हैं सभी सेल से बने हुए हैं, और जो सेल है वो बेसिक यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जब किसी घर को या कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो ईंट यानी कि जो ईंट होती है वो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस होता है, या बिल्डिंग आप कह सकते हैं। ईंट ईंट को जोड़ के दीवार बनते हैं, और जब दीवार आपस में जुड़ते हैं तो एक कमरा बनता है, और जब कमरे आपस में जुड़ते हैं तब एक घर बनता है।
उसी तरीके से जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सेल जो है वो जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वो मल्टीप्लाई होकर टिश्यू बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू जो है ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं, और जब ऑर्गेन को हम एक प्रॉपर प्लेस में प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को जैसा कि एल्गी स्पाइरोगिरा के बारे में मैंने आपको बताया कि ल्यूमेनहॉक ने फर्स्ट टाइम फ्री लिविंग सेल के बारे में डिस्कवर किया था, यानी कि फ्री सेल जो है फ्री लिविंग सेल एल्गी स्पाइरोगिरा वो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया था। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया 1904 में, तब जाके कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स थे उनको, कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको समझना बहुत ही आसान हो गया। और इसी तरीके से और भी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि उसे यूनिसेलुलर कहा गया, यूनि मीन्स सिंगल, यानी कि एक सेल जो है वो अपने आप में ऑर्गेनिज्म बना सकता है, ऑर्गेनिज्म के रूप में मौजूद है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, क्लेमाइडोमोनस, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एक ही सेल मौजूद है, एक ही सेल पूरे ऑर्गेनिजम्स के रूप में अवेलेबल है इस पृथ्वी पर। तो यहाँ से जो डिस्कवरी हुई सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को देखने के बाद, अब हम लोग समझते हैं कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्कवरी है वो किस तरीके से की गई। तो मल्टी सेल यानी कि जब बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट फंक्शंस बॉडी पार्ट्स के रूप में डिस्कवर होते हैं, यानी कि ऑर्गेन्स फॉर्म करते हैं। जैसा कि आप फंगी को देख लीजिए, प्लांट एंड एनिमल्स में मौजूद होते हैं, और जो सेल होते हैं वो हर एक ऑर्गेन के अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल को देखा गया, नर्व सेल को देखा गया, ओवम, बोन सेल, स्पर्म, फैट सेल इत्यादि जो सेल्स हैं, नए नए सेल्स की डिस्कवरी हुई तब जाके समझ में आया कि हर एक ऑर्गेन जो है एक ही सेल से नहीं बना है, बट मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेल से बना हुआ है, शेप में कहा जाता है। और जो शेप चेंजिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि अमीबा को आप समझ पा रहे होंगे, अमीबा जो है अपने शेप को चेंज कर सकता है, इसी तरीके से हर एक जो सेल होता है उसके अलग अलग फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। अब अगर आप सोचा जाए तो अब लोगों के अंदर जाने की ये उत्सुकता हुई, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि आखिर ये सेल के जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके से अपने सारे फंक्शंस को करता है। जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, हर एक ऑर्गेनल का अपना अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है जिसे सेल ऑर्गेनल के रूप में हम लोग जानते हैं। अब जो काम है, सेल का काम क्या होता है, न्यू मटेरियल का फॉर्मेशन और उसके अंदर जो भी वेस्ट होगा उसे साफ करना और एनर्जी प्रोवाइड करना, नए रिपेयरिंग करना, जब कहीं कट जाता है या कहीं पे चोट लग जाती है तो वो रिपेयर हो जाता है। ब्लड सेल यानी कि जब अगर आप कहीं कट लग जाए, ब्लड का फ्लो होता है तो रिपेयर भी होता है, और जो ब्लड का फ्लो है उसे जाम भी किया जाता है ताकि ब्लड का फ्लो रोका जा सके, जिसे हम लोग क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो सेल के जितने भी फंक्शन हमने पढ़े वो कहीं भी मौजूद रहे, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में मौजूद रहे, वो कोई मैटर नहीं करता है कि वो किस ऑर्गेनिज्म में है, जो भी उसका फंक्शन है वो सेम फंक्शन वो हर एक ऑर्गेनिज्म में करेगा। हर एक सेल का फंक्शन जो है वो सिमिलर होता है, वो कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्लांट सेल के अंदर। अब हम लोग कुछ जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उसके आंसर्स को देख लेते हैं। तो सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको अब आंसर जो है दिमाग में आ गया होगा। तो सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने किया था, और जो फ्री लिविंग एल्गी स्पाइरोगिरा सेल का डिस्कवरी है वो ल्यूमेनहॉक ने किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लूइड जो मौजूद होता है सेल में, जिसका नाम जो है प्रोटोप्लाज्म दिया गया, उसे प्रोकिंजी ने डिस्कवर किया था। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्केलेडन ने दिया था 1838 में, और स्केवन ने दिया था 1839 में। और जो सेल्स जो मल्टीप्लाई होते हैं, जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, ये वर्चाओ ने बताया कि सेल्स जो अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो पहले से मौजूद होता है उसी से अराइज होते हैं। और जो टर्म यूज़ किया गया, फ्लूइड जो मौजूद होता है सेल के अंदर, उसके लिए प्रोटोप्लाज्म टर्म का इस्तेमाल किया गया। तो सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये आपका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी था। ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।